बड़ी खबर, पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है और उसी से जुड़ी ये खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है उन्होंने। फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को मात दी है और गोल्ड अपने नाम किया। फाइनल में जो मुकाबला चल रहा था वो उन्होंने जीता है 21-7 से। उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं पीवी सिंधु। बड़ी और अहम खबर इस वक्त स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बता रहे हैं। स्पोर्ट्स के लोगों के लिए अच्छी खबर, भारतीयों के लिए अच्छी खबर है कि इतिहास रच दिया है पीवी सिंधु ने। फाइनल में जापान की नोजोमी को हरा दिया है और ये जो हार है वो 21-7 से उन्होंने दर्ज की है। वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय, बड़ी और अहम खबर, इतिहास रच दिया है पीवी सिंधु ने क्योंकि एक बहुत बड़ा खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। देश प्रदेश, देश विदेश में नाम रोशन कर दिया है। फाइनल में हराया है उन्होंने जापान की नोजोमी को और जो हार है वो भी काफी बड़े लेवल से हराया है उन्होंने। जीत का जो मार्जिन है वो भी काफी नजर आ रहा है, 21-7 से उन्होंने ये जीत अपने नाम कर ली है। बड़ी खबर, बड़ा इतिहास रच दिया पीवी सिंधु ने। तो खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है, जितने भी फैंस हैं इस वक्त पीवी सिंधु के वो बहुत खुश हो रहे होंगे और साथ ही हर भारतीय को खुशी हो रही होगी क्योंकि इतना बड़ा खिताब उन्होंने नाम कर लिया है, अपने गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसा मुकाबला उन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो ये स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसका जीता जाता उदाहरण हम देख रहे हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने फाइनल में जापान की नोजोमी को हरा दिया है, मात दी है उसको, 21-7 से फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की है और वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय वो बन चुकी हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है पीवी सिंधु के। जाना माना चेहरा पीवी सिंधु, जानी मानी शख्सियत, इससे पहले भी कई खिताब वो अपने नाम कर चुके हैं और अब फाइनल में जापान की नोजोमी को हराकर एक और मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। फाइनल में 21-7 से जीत उन्होंने दर्ज की है। खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हैं भरत, भरत आवाज मिल रही है आपको? यस यस मैम, मुझे भरत। पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, कितना बड़ा मुकाम है ये? बहुत बड़ी उपलब्धि है मैम, हरियाणा न्यूज के माध्यम से मुझे पता चला, मैं टीवी देख रहा था, पीवी सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय महिला ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, तो बहुत बड़ी बात है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है और मैं एक खिलाड़ी होने के नाते बहुत खुश हूँ और उन्हें हार्दिक बधाइयां देता हूँ अपनी तरफ से मैम। चलिए बहुत शुक्रिया आपका भरत। तो हार्दिक बधाइयों का सिलसिला अब रुकेगा नहीं, हार्दिक जो बधाइयां हैं वो ऐसे ही सभी उनको देते रहेंगे। दिनेश भी है हमारे साथ, बैडमिंटन खिलाड़ी है ये, आवाज मिल रही है आपको दिनेश जी? हाँ जी मिल रहा है, आवाज मेरे को मिल रहा है। किस तरीके से बधाइयां देना चाहेंगे, पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है? मैं बहुत खुश हूँ हमारे बैडमिंटन हिस्ट्री के लिए, फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जीते हैं सिंधु ने और उसने इस टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया और सबको इतना इजी हराया उसने। आज भी उसने 21-7 से जो जिससे 2017 में वो फाइनल हारी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में और ये हमारे लिए पूरे इंडिया के लिए बड़ी गर्व की बात है कि लड़कियों ने इतना कुछ करती है और पीवी सिंधु ने मेडल जीता है। हमारे बैडमिंटन के लिए और सब स्पोर्ट्स के लिए बहुत खुशी का दिन आज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, बहुत खुशी का दिन है ये आज क्योंकि इतिहास रच दिया है उन्होंने, वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और इससे पहले भी
कई मुकाम हासिल वो कर चुकी हैं बैडमिंटन में, और अब पीवी सिंधु ने एक और इतिहास रच दिया है।